हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इसको प्लीज हल्के में नहीं लेना है। है तो आसान सा ही, कोई ज़्यादा आपको इसमें 30 मार्क खान वाला काम नहीं करना है, लेकिन तब भी यू हैव टू रीड इट, है ना। अब देखते हैं, ये समझने का पहले कोशिश कीजिए कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आया कैसे होगा, क्यों आया होगा। तो जब अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, इसमें कहीं भी हम लोगों ने एक दो पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं भी हम लोगों ने मैकेनिक्स को नहीं इन्वॉल्व किया ना अभी तक केमिस्ट्री में। जब उस समय जब लोगों ने गैसेस को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, मैकेनिक्स को भी धीरे धीरे इन्वॉल्व करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो मॉलिकुलर मोशन को स्टडी कर रहे थे। जब मॉलिकुलर मोशन को स्टडी कर रहे थे तो धीरे धीरे मैकेनिक्स के भी टर्म्स आने लगे इसमें, और मैकेनिकली भी इसको चीज़ें डिफाइन करना शुरू हो गया। फिर थर्मल एनर्जी भी आना शुरू, एनर्जी आया तो एनर्जी से थर्मल एनर्जी आना शुरू हो गया, है ना। टेम्परेचर का कंसेप्ट आना शुरू हो गया। इस तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इवॉल्व किया, क्योंकि देखिए नाम ही में काइनेटिक छिपा हुआ है, ठीक है। तो काइनेटिक छिपा हुआ है, इससे दो मतलब निकलते हैं कि ये रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी है, मतलब रिलेटेड टू मोशन है। और काइनेटिक एनर्जी मतलब एक तरीके से आपको टेम्परेचर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग इसको जब बढ़ाते हैं तो इससे हम लोग मेनली जब इससे काइनेटिक गैस इक्वेशन लाएंगे तो प्रेशर को देखते हैं। ये जो इक्वेशन ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी डेवलप की गई थी 1730s के पास, है ना, 1730s के आसपास ये डेवलप की गई थी। तो इसलिए जो assumptions हैं, जो postulates हैं इस थ्योरी के, वो आपको उस हिसाब से ही सोचने पड़ेंगे कि 1730s के टाइम पे ये कैसे रहे होंगे। मे बी क्या एग्जैक्टली आपको ऐसा दिखेगा कि उस समय के कुछ postulates जो हैं वो अभी से नहीं बैठते हैं, है ना, दे आर नॉट कंकरेंस विथ द, है ना, अभी के सिचुएशन के। तो इसलिए आपको लगेगा वो गलत है, ठीक है, वो गलत हो गए, लेकिन जिस समय वो दिए गए थे वो एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दिए गए थे। अभी का भी मे बी अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो इन नियर फ्यूचर एंड इन लेट फ्यूचर, वो चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो पर सेम इनके साथ भी हुआ था, ठीक है। ये दिया था बर्नौली ने, बाद में आपके मैक्सवेल, क्लॉसियस, क्लैपेरॉन, बोल्ट्ज़मैन, इन जैसे साइंटिस्टों ने इनको डेवलप किया, इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जो आपका जो पोस्टुलेट्स है इसको पढ़ के इसको डेवलप किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हम एक एक करके सारे पोस्टुलेट्स को हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है, और फिर हम लोग भी काइनेटिक गैस इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोस्टुलेट्स देख लिया जाए, पोस्टुलेट्स काफ़ी ईजी होने वाले हैं, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है। सबसे पहला पोस्टुलेट, गैसेस किससे बने हुए होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ये काफ़ी क्या होते हैं, टाइनी होते हैं। सबसे खास बात, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स जो टाइनी तो होते हैं, साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल इन नेचर बोले तो इनका शेप, इनका साइज, ये क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, ठीक है। काफ़ी आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, लगातार हाई स्पीड से मोशन कर रहे हैं, इनका हाई स्पीड मोशन है, वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं एकदम, और भी रैंडमली जैसे तैसे, है ना। तो ये रैंडमली इनका हाई स्पीड मोशन है। अब ये हाई स्पीड मोशन जो है, ये लगातार इस मोशन के वजह से किससे टकरा रहे हैं, अपने आप में टकरा रहे हैं और कंटेनर के वाल से टकरा रहे हैं। तो जैसे कंटेनर के जो वाल से टकरा रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं, कॉलिजन किसके साथ, वाल्स ऑफ कंटेनर के साथ, तो इसी कॉलिजन के वजह से क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रेशर। हमने देखा था किसी कॉलिजन की वजह से प्रेशर बनता है स्टार्टिंग में ही, या प्लेलिस्ट के स्टार्ट में आप देखिए। तो ये जो प्रेशर होता है, आप खुद बताओ ये प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, ये प्रेशर डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको स्ट्राइक कर रहे हैं यूनिट टाइम में। क्योंकि ध्यान दो, एक मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक करता है इसके, मान लेते हैं एम बी से जा रहा था तो वापस आया माइनस एम बी हो गया, तो मोमेंटम में क्या हुआ, इसका चेंज हुआ, मोमेंटम में जैसे ही चेंज हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम डेल वी बाई टी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देता है, फोर्स, और फोर्स बाई एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर किस पर डिपेंड किया, ये मॉलिक्यूल पे। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उससे ज़्यादा कॉलिजन्स होगा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा, जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ कॉलिजन पे। कॉलिजन पे क्या चेंज कर रहा है, मोमेंटम, उसका रेट देखना है यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में जब रेट देखते हैं तो क्या मिलता है, फोर्स, फोर्स को देखना है यूनिट एरिया में, तो इन यूनिट एरिया तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है, ये समझने में दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट, इसी कॉलिजन के वजह से ये जो, मतलब ये जो प्रेशर आता है, ये जो कॉलिजन होता है ना, ये आपस में जो गैस मॉलिक्यूल्स जो कॉलिजन करते हैं, ये कॉलिजन कैसा होता है आपका, इलास्टिक नेचर का होता है। इलास्टिक नेचर से जब हम लोग कहते हैं, तो इलास्टिक नेचर कहने का मतलब होता है, अगर आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो, ठीक है,
देन ये इलास्टिक थ्योरी समझने के लिए आपको क्या समझना है कि इसमें मोमेंटम और एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने चेंज कर दिया, एम बी से माइनस एम बी कर दिया। हाँ मैंने चेंज किया है, बट देर इज नो लॉस इन इट। चेंज करना और लॉस में अंतर होता है ना। तो ये लॉस नहीं हुआ है, चेंज हुआ है। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, जो वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल्स का वो एकदम नेग्लिजिबल होगा, मतलब होगा ही नहीं, एकदम पॉइंट मासेस। इस मॉलिक्यूल्स को कैसा मान रहा है, वो पॉइंट मासेस मान रहा है, बहुत ही छोटा मान रहा है। नेग्लिजिबल किसके रेस्पेक्ट में होगा, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे काफ़ी नेग्लिजिबल होंगे, मतलब एकदम बहुत ही कम होंगे। छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट क्या बोलता है कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे ना, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे ये नहीं होंगे। ये क्या होंगे, नहीं होंगे, नो फोर्सेस। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं। ये सुनते ही आपके अंदर का गुस्सा जाग जाएगा, अरे बहुत सुन लिया, तब से सुन रहा था ये गलत हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, ये बोल रहे हैं, कब ये बोल रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये गलत है, नहीं मानूंगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट सही हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको थोड़ा लग रहा होगा कि वॉल्यूम तो ख़त्म ही मान लिया है, पॉइंट मासेस मतलब माना ही नहीं है, ये पॉइंट एकदम आप सही जा रहे हो, ये पॉइंट थोड़ा गलत मान लिया है। बोलो ये पॉइंट एकदम हद कर दिया है। हाँ तो हद किया है इसने। ये पॉइंट गलत माना गया था, लेकिन आप उस समय के हिसाब से सोचिए, उस समय के हिसाब से अगर सोचा था देन दिस वॉज नॉट रॉन्ग, उतना रॉन्ग नहीं था ये भाई। बिकॉज आप खुद से सोचो, अगर आपके पास क्या है, एक छोटा कंटेनर है उसमें वो गैस है ना, आपने क्या किया कंटेनर बड़ा कर दिया, ठीक है। देन पहले जब ये छोटे कंटेनर में था तो ये गैस इस कंटेनर का वॉल्यूम लिए हुए था, जैसे ही कंटेनर बड़ा किए अब उस कंटेनर का वॉल्यूम ले लिया, और कंटेनर बड़ा करेंगे वो गैस जो इतना में था अब पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लिया। कंटेनर बड़ा करते जाओ बड़ा वॉल्यूम लेते जाएगा। तो आप बोलोगे अरे यार ये मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्या, फैले जा रहा है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, अब इतने दूर में था, इतने दूर में कोई खींच ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता भले ही वॉल्यूम बढ़ने दो हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ आ गया, फिर एक्सट्रीम पे चला गया। तो ये देख के आपको क्या पता चला कि नहीं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं यार, बढ़ ही जा रहा है। तो ये था इनका सोचने का तरीका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम है, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते, अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या कहा, जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स का, सारे मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो सेम नहीं है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स का स्पीड है वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है। उसने जीरो और इन्फिनिटी को बराबर भी मान लिया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना ही मॉलिक्यूल का स्पीड जीरो होता है और ना ही मॉलिक्यूल का स्पीड इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। क्योंकि जीरो होने का मतलब है मॉलिकुलर मोशन ही एग्जिस्ट करना बंद कर गया, जब एग्जिस्ट करना मॉलिकुलर मोशन ही बंद कर जाएगा, है ना, इसका मतलब है कि गैस ही नहीं है, तो ये गलत है। और मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को मालूम है कि अगर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी किसी भी चीज़ का वेलोसिटी, किसी भी मास वाले चीज़ का वेलोसिटी अगर लाइट के स्पीड से ज़्यादा होता है देन वो एनर्जी में फॉर्म तब्दील हो जाता है, है ना। अगर ऐसा होने लगता देन हम लोग टाइम मशीन बना सकते थे। इसलिए ये जो इक्वल टू वाला जो बात है ना, ये इक्वल टू वाला बात थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है, बाकी ठीक है कि वो सेम स्पीड नहीं होता है, अलग अलग स्पीड पर होता है। ये भी आप बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है, या फिर ऐसे समझो इस मॉलिक्यूल का किसी भी डायरेक्शन में जाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब जिधर भी जाए उधर जाने का उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मानते हैं ये इधर गया वी वेलोसिटी से, देन इसका तीन कंपोनेंट हम निकालते हैं, इधर इधर और इधर। तो ये जो है आपका मान लेते हैं, सॉरी इधर मानते हैं, थोड़ा आपको लगेगा ये आपस में सिमेट्री है। तो ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया, ये वी जेड हो गया, है ना। देन आप बोल सकते हो, एक बात आपसे पूछता हूँ फिर आप ही बोल दोगे, इधर इसका जिधर भी जाने का प्रोबेबिलिटी क्या था, सेम था। तो जब चाहे इधर जाए या इधर जाए किधर भी जाए सेम वेलोसिटी से ही जाएगा, चाहे वी एक्स में जाएगा या वी वाई में जा रहा है, वी जेड में जाता, सेम वेलोसिटी से ही जाता। मतलब ये जो वी एक्स है ये वी वाई के बराबर है, ये वी जेड के बराबर है। देखिए उतना एक जनरलाइज किया गया, ये कंसेप्ट क्या है, जनरलाइज किया गया। आप बोल सकते हो कि नहीं सर ऐसा कैसे आप ऐसे मान सकते हो, सही है, आप सही सोच रहे हैं,
लेकिन ये जो इमेजिन करवाया जा रहा है इस थ्योरी के हिसाब से, वही आपको इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ मैं। चीज़ें गलत होंगी, यहाँ तक कि आपका जो वंडरवास इक्वेशन ऑफ स्टेट आता है, जो इक्वेशन ऑफ गैस आता है, जिसको आप एकदम सही माने हुए हैं अगर आपने पढ़ा है थोड़ा पहले, तो क्योंकि आपके बुक ने उसको एकदम सही मान लिया होता है, वो भी आगे जाके गलत होगा। आप गैस में जब जाओगे तो आप देखोगे वंडरवास इक्वेशन ऑफ गैस का भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, है ना, 4-5 लिमिटेशंस हैं। इसलिए ये बस एक इनिशियल स्टेजेस हैं डिस्कवरी के तौर पे, जब लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया और रिसर्च करना स्टार्ट करा, देन ये इनिशियल स्टेजेस हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हैं, वो आप इनिशियल स्टेज से आप उस स्टेज तक बढ़ोगे। आप अगर आपको एक ही बार में प्रेजेंट का रिसर्च पढ़ा दिया, आप नहीं समझ पाओगे ना, तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो। यह चीज़ें आपको थोड़ी कभी कभी अनरियलिस्टिक लगेंगी, लेकिन आपको यू हैव टू कोप अप विद दैट, है ना, उसके साथ ध्यान दीजिएगा। अगर इस वी को लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में, यानी आप लोग लिख सकते हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। इसी वी का अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूँ तो आप ऐसे लिख दोगे कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। देन याद रखना, यहाँ से एक इक्वेशन आ रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये तीनों बराबर ही हैं, इसलिए आप इसको लिख सकते हो 3 VX² ये भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या बोलता है? 8वां पॉइंट जो बोलता है उस पर ध्यान दीजिएगा। वो क्या बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना गैसेस का, ये प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और किसी चीज़ के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ये क्यों थोड़ा या आपका क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा ये पॉइंट? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो 1/2 mv² होता है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। आप बोल रहे हो कि नहीं, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कोई गैस, भारी गैस लिए हुए हैं या फिर कोई हल्का गैस लिए हुए हैं, टेम्परेचर सेम है, तो दिन दोनों का मान लीजिए ए और ये बी है, अगर मास ए ज़्यादा है मास बी के, लेकिन तब भी काइनेटिक एनर्जी जो ए का होगा वही काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? बी का होगा, क्योंकि वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब होता है टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, इसलिए दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। प्रूफ करो, आगे प्रूफ होने वाला है, इसी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब काइनेटिक एनर्जी का बात होता है ना, तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी का बात नहीं करता है। जब ये काइनेटिक एनर्जी का हम लोग बात करते हैं ना, ये काइनेटिक एनर्जी पूरे मॉलिक्यूल का लेते हैं, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, और वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे? टेम्परेचर पे। 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट क्या बोलता है? नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। नो ग्रेविटी नहीं बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट हमारे मोशन पे कहीं से इफेक्ट नहीं डाल रहा है, है ना, वो हमारे मोशन को कहीं से इफेक्ट नहीं कर रहा है। मोशन जैसा है वैसा ही था, वैसा ही रहेगा, चाहे ग्रेविटी हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी इतना कम है कि वो इफेक्ट आपका मोशन पे नहीं डालेगा। तो ये हो गया आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आई वुड मेक शॉर्ट वीडियोज़ फॉर यू, ताकि आपको थोड़ा देखने में भी आसान लगे। एक ही बार मैं आपको एक घंटे की वीडियो डाल दूँ, दिन आप भी 10 मिनट पास हो जाओगे, अरे यार फिर क्या, ठीक है। अगर आप नहीं कुछ होता है तो ठीक है, अगला वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके लिए भी ऐसा सोचता हूँ, ठीक है, जो एक लंबी वीडियोस तक नहीं देख पाते हैं। तो ये हो गया आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है। अगर इसको यहाँ तक समझने में कहीं प्रॉब्लम है देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन, उसकी अपडेट्स आपको मिलते रहें, कभी भी फ्यूचर वीडियोज़ के आपको अपडेट्स मिलते रहें, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट। थैंक यू।